सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं मिल्क कंपाउंड, और मिल्क कंपाउंड मैंने यहाँ पर सिर्फ लिया है इस स्लैब का 1/4 पार्ट। 500 ग्राम का स्लैब है तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है 125 ग्राम। इस 125 ग्राम को हमें अच्छे से छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ लेना है। और इसे माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट कर लेना है या फिर डबल बॉयलर मेथड से। ये देखिए 5 सेकंड ही मेल्ट मैंने किया है और वो कुछ इस पोजीशन पर आ चुका है। इसे थोड़ा सा मैं और मेल्ट करूंगी। और ये देखिए ये है कॉफी, ये थोड़ा सा जम गया है। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ और इस पूरे कॉफ़ी का एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी अच्छे से इसे शेक करके। अब ये देखिए हमारा ये जो मिल्क कंपाउंड है ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और ये वाला सिलिकॉन मोल्ड जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने आप सबके साथ शेयर कर रखा है, ये मोल्ड मैं हर बार इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे हमारी चॉकलेट का शेप बिल्कुल परफेक्ट आता है। किसी भी तरीके से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, साथ ही कैविटी ट्रे में भी ये जो चॉकलेट्स हैं परफेक्ट फिट आती हैं। अब ये जो नेस्कैफे का मैंने यहाँ पर ये देखिए जो कॉफ़ी है, आप चाहें तो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट ये देखिए मैंने यहाँ पर ये काम आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर कॉफ़ी का ये जो हॉट कॉफ़ी का जो मिश्रण था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और अब आपको ये जो मिश्रण है इसमें पोर करते जाना है, फिल करना है। पूरा मिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा ही इसे मिक्स करना है और इसमें फिल कर देना है। ये थोड़ा सा कॉफ़ी का जो ट्रफल फॉर्म होता है उसी तरीके से ये चॉकलेट्स आपकी बन के प्रिपेयर हो जाती हैं और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है ये चॉकलेट। इस तरीके से टैप कर दें और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स इस तरीके से आपको उसे क्लीन कर लेना है ताकि आपका मोल्ड भी क्लीन हो जाए और जो पूरी तरह से फिल नहीं हुआ हो उसमें आप इस तरीके से उसे फिल कर लें। जिन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है उनके लिए ये बेस्ट फ्लेवर ऑफ चॉकलेट है। अच्छे से आपको इसे टैप करना है। अब इसे आपको थोड़ी देर रेस्ट करने देना है और सेम उसी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइट कंपाउंड और इसे भी हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब ये देखिए ये जो व्हाइट कंपाउंड था ये भी मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। अगर आप कंपाउंड्स को रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो उसे आपको मेल्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब ये है मेरे पास पान का मसाला जो मैंने नट्स एंड ब्राउन पैकेजिंग की पर्स से ऑर्डर किया था। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। ये पान मसाला मैं यहाँ पर, पान का थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुझे पसंद है तो मैंने यहाँ 2 चम्मच ऐड किया है
अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई हार्ट लिवर्स नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल इसे एक चम्मच भी कर सकते हैं 125 ग्राम में। आप चाहें तो यहाँ कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कलर नहीं ऐड कर रही हूँ। और इसी कैविटी के सेकेंड लेयर पे हम ये पान मसाला वाला चॉकलेट जो है फिल करने वाले हैं। इससे जितनी भी चॉकलेट्स बन जाए नट्स एंड ब्राउन पैकेजिंग का एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स मेरे पास आया है। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो आई है वो है स्टिकर्स। बॉक्स तो आपको बहुत तरह के मिल सकते हैं, बहुत जगह से मिल सकते हैं, बट स्टिकर्स इस तरह से फ्लेवर वाले स्टिकर्स बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे इनके स्टिकर्स बहुत पसंद आए। मतलब अभी की सिचुएशंस में ऐसा है, मुझे लग रहा है सारे स्टिकर से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ चॉकलेट्स जो है क्रिएट कर लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे चॉकलेट्स सेल करना और बनाएंगे आप एक एक पीस तो नहीं, आपको ज़्यादा ही बनाना होता है। अब कुछ और वाइट चॉकलेट मैं मेल्ट कर रही हूँ जिसके साथ मैं आपको डिफरेंट फ्लेवर भी बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये वाइट चॉकलेट हमने क्वांटिटी में ज़्यादा लिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 3 स्लैब यूज़ किए थे, 500 ग्राम का, 125 ग्राम का स्लैब मैंने पान के लिए यूज़ कर लिया था और बाकी जो बचे 3 स्लैब थे वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसी स्लैब पर ये, क्योंकि सेट होने में हमें टाइम लगेगा और इसे सेट करने के लिए हमें इसे फ्रिज में डालना होगा, तो यहाँ पर मैं वाइट चॉकलेट, प्योर वाइट चॉकलेट और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर एसेंस यूज कर सकते हैं। देखिए, इसे भी मैंने इस तरीके से टैप कर दिया है। अब इसी कंपाउंड के साथ मैं आपको दो और डिफरेंट फ्लेवर शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए इस कंपाउंड को मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करूँगी। सबसे पहले पार्ट में हम लेंगे कीवी का फ्लेवर। इसके लिए सबसे पहले ऐसे आपको ड्राइड कीवीज ले लेनी है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके इस पर ट्रांसफ़र करना है। इस तरह के चॉकलेट्स को जब आप किसी एक बॉक्स में डालते हैं, दो पीस, तीन पीस, चार पीस, जैसे भी बॉक्स की कैविटी है, 20 कैविटी है, अगर आप उसमें 10 अलग अलग फ्लेवर्स डाल रहे हैं तो सबके दो दो पीस जब आप इस पर सेट करते हैं तो बात आती है क्वांटिटी की, तो बात आती है रेट्स की कि हम इसकी कॉस्टिंग कैसे लगाएं। तो आप सबको मैं एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ कि जब भी इस तरह के मिक्स फ्लेवर्स के चॉकलेट की कॉस्टिंग की बात आती है तो आप एक लमसम एस्टिमेट, लमसम एस्टिमेट मीन्स बॉक्स की पैकेजिंग, आपने टोटल कितने कंपाउंड यूज़ किए, चाहे आप मिल्क ले रहे हो या फिर आप वाइट ले रहे हो या आप दोनों ही ले रहे हो, तो उसका एक राउंड फिगर आपको निकालना होता है। और राउंड फिगर निकालने के बाद आपको जो है एक लमसम बजट निकालना होगा। ये देखिए, ये है कीवी का क्रश जो मैं लगभग एक बड़ा चम्मच, क्योंकि ये पाइपिंग बैग में फिल किया हुआ रखा था मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पूरा ऐड कर दिया है, बट अगर आप मेज़रमेंट में लें तो लगभग एक बड़ा चम्मच आपको यहाँ पर ये यूज़ करना है। और जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे ये वाइट चॉकलेट जो है थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको इसे फटाफट से मोल्ड में ट्रांसफ़र करते जाना है। बिल्कुल ट्रफल की तरह, जैसे आपने कॉफ़ी वाले को किया था, बस वैसे ही आपको इसे मिक्स करना है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ कोई कलर ऐड नहीं किया है, सिर्फ फ्लेवर्स मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं और कुछ भी नहीं। अगर इसी चीज़ को आप अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप सबके साथ काफ़ी सारे ट्रफल्स की रेसिपी भी शेयर की है। तो आप इसका राउंड सर्कल में ट्रफल बना सकते हैं, आप स्क्वायर पीसेस में भी इसको ट्रफल शेप का देकर ऊपर से चॉकलेट की कोटिंग कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हम एक और फ्लेवर बनाएंगे इस बचे हुए कंपाउंड। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है जिसके लिए मैं ये ब्राइट रेड कलर थोड़ा सा यूज़ करूँगी, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे पहले से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और लोगों को जो प्रेजेंटेशन है वो अगर अच्छा होता है तो उनको वो चीज़ भी पसंद आती है। ठीक है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर हमने डाला है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुलकंद। जी हाँ, ये मैंने जो चॉकलेट यहाँ प्रिपेयर कर रही है की है, ये है गुलकंद फ्लेवर की। इसके लिए मैंने ये पूरा एक चम्मच भर के जो गुलकंद है वो इसमें यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेवर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट लेयर हमारा बचा है इसमें हम ऐड ऑन करेंगे हमारा गुलकंद का मिश्रण। आप जितना ज़्यादा इसका प्रेजेंटेशन रखेंगे चॉकलेट्स उतनी ज़्यादा आपकी लोगों को पसंद आएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो मेल्टेड चॉकलेट्स बच गई थी वो मैंने ये आलू बॉम वाले में और ये छोटे वाले हैप्पी बार्स, हैप्पी दिवाली के बार्स में मैंने इसे डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। मेरे पास ये गुलाब का, ये देख सकते हैं पेटल्स रखे हैं हमारे पास। आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो बिल्कुल भी खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुलकंद का टेस्ट ऑलरेडी आएगा। ये सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बढ़ाया है। और ये जो गुलाब का पंखुड़ी या गुलाब का जो आप पेटल्स बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, जो मेरे पास रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो रखी हुई होती हैं और मैं उन्हें ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को बनाने में। मैं मोस्टली हर चीज़ मार्केट से जाके परचेज नहीं करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये सारे जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें मैं फ्रिज में डालूँगी सेट करने के लिए। आपको कोई भी एक ट्रे ले लेनी है और इस तरीके से, क्योंकि ये अब काफ़ी हद तक सेट हो चुका है, ये देख सकते हैं, आपको इसे उठाकर ट्रे में रख देना है। अब मैं इसे फ्रिज में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितने फ्लेवर्स आप सबके साथ बनाए हैं। ये देखिए, ये पहला है कीवी फ्लेवर जिसका आप प्रिंटिंग देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर से कीवियाँ बनी हुई हैं। सेकेंड मैंने आप सबके साथ शेयर किया था वाइट चॉकलेट, ये देखिए ये प्योर वाइट चॉकलेट है। तीसरा मैंने आप सबके साथ शेयर किया है गुलकंद का चॉकलेट। एक फ्लेवर मैंने आप सबके साथ शेयर किया था पान का, और एक मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कॉफ़ी का। ये मैंने सिर्फ 5 फ्लेवर्स बनाए हैं, बट बिलीव कीजिए इनके पास 30+ फ्लेवर्स हैं जो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कुछ जो चॉकलेट्स हैं हमारी वो सेट हो चुकी हैं, जैसे हमारी ये कॉफ़ी कैरमल की चॉकलेट जो है कॉफ़ी फ्लेवर की, ये सेट हो चुकी है। मैं आपको ये पास से दिखा रही हूँ। ये आप देखिए कॉफ़ी का फ्लेवर है, आपको इसमें बीच बीच में ऐसे कॉफ़ी भी मिलेगा, आप चाहें तो कॉफ़ी बीन्स डाल सकते हैं। तो ये हमारी सेट हो चुकी है, इसलिए मैं इसे बाहर निकाल दे रही हूँ ताकि हम इसे पैक करके इसके आगे की वीडियो भी जो मैं आपको चाहूँ वो दिखा सकती हूँ। पान फ्लेवर्स भी हमारे सेट हो चुके हैं, ये देखिए ये पान का जो है ये भी सेट हो चुका है। तो 1 by 1 ये सारी चीज़ें सेट हो जा रही हैं और मैं निकाल कर आपको इसकी पैकेजिंग भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो सारी चॉकलेट्स हैं, पान वाले कीवी वाले को छोड़ के बाकी सारी चॉकलेट्स हमारी जो है सेट हो चुकी हैं। ये देखिए पान वाली भी सेट हो गई है, बट मैं उसे लास्ट में निकालूंगी। ये हमारी वाइट चॉकलेट, प्योर वाइट चॉकलेट।
और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे दिख रहे हैं। अगर आप चॉकलेट को उसके बॉक्सेस में पैक करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि या तो आप उसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पैक करें, जिससे आपने चॉकलेट का जो प्रेजेंटेशन दिया है वो उसमें लुक वाइज आ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर आप इसको क्लिंग रैप कर सकते हैं। विदाउट क्लिंग रैप किए भी आप इसे पैक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है ये चॉकलेट। आप इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो लिड वाली जो हमारी बॉक्सेस होती है ना कैविटी ट्रे की, आप उसमें भी इस तरीके से इसे पैक करके रख सकते हैं। ये हमारा कॉफी फ्लेवर, आपको कॉफी को ध्यान देना है, कॉफी वाला फ्लेवर जब भी इस तरीके से बनाए तो आप कॉफी को पूरा मिक्स ना करें। देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की जो मार्बल टाइप की फिनिश दिख रही है, ये आपके कॉफी के उस पर दिखनी चाहिए। इससे आपके चॉकलेट का जो लुक है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी इसे बहुत ज्यादा मिक्सअप ना करें। ये हमारा पान का फ्लेवर, तो इस तरीके से आप बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हैं। अगर आप बहुत सारा चॉकलेट अलग अलग वैरायटी नहीं ट्राई करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये एक सिंगल मोल्ड के थ्रू आप इसके बहुत सारे ऑप्शंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 से 3 कंपाउंड के साथ काम करना है, या तो आप सिर्फ व्हाइट चॉकलेट ले लें, मिल्क चॉकलेट ले लें और ये ले लें, बाकी अलग फ्लेवर्स बिल्कुल कोशिश ना करें। एकदम सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ट्रस्टेबल रेसिपी है। ये देखिए ये हमारा कीवी वाला फ्लेवर, इसे थोड़ा सा बहुत परफेक्टली मैं नहीं कहूँगी कि आपका सेट होगा, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो कीवी का क्रश होता है वो थोड़ा सा लिक्विडी होता है, तो ये एकदम परफेक्ट शेप में कभी भी जो है नहीं आएगा। ये देखिए ये कीवी वाला भी मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ये भी सेट हो चुका है। और बिलीव कीजिए इस तरह के फ्रेश फ्रूट्स के जो आपके चॉकलेट्स होंगे ना वो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर 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 बनाएं इस तरह की चॉकलेट्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे अलग अलग फ्लेवर्स की सारी चॉकलेट्स जो हैं वो बनकर के रेडी हो चुकी हैं। आपको बस इसे अच्छे से पैक करना है। पैक कैसे करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जस्ट बिकॉज कि अगर अभी मैं आपके साथ पैकिंग शेयर करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप वीडियो में बोर हो जाएंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलेंगी, साथ ही आप मेरी वीडियोज़ को व्यूज़ भी बहुत अच्छे नहीं देंगे। तो प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी ये अलग अलग फ्लेवर्स की रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।